इंदौर पुलिस ने एक ऐसे नौटंकीबाज तस्कर को गिरफ्तार किया जो अपने पैर पर नकली प्लास्टर चढ़ा बिस्तर पर लेटा मिलता। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंचती तो पुलिस के सामने गिरने लगता, जिससे पुलिस उसे बख्श देती। इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाला राहुल वर्मा और वो टोपी ब्राउन शुगर की तस्करी करते पकड़ा गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50,000 कीमत की 13 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल वर्मा ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त है, लेकिन जब भी पुलिस दबिश देने राहुल के घर पहुंचती वह पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर बिस्तर पर लेटा मिलता और पुलिस के सामने गिरने लगता, जिससे पुलिस उसे बख्श देती। मुखबिर ने बताया कि राहुल ब्राउन शुगर का धंधा कर रहा है और पुलिस से बचने के लिए पैर पर नकली प्लास्टर चढ़वा रखा है। पुलिस ने आरोपी के पैर में लगा प्लास्टर कटवाया तो पैर सही सलामत निकला। इस आरोपी पर कई अपराध दर्ज है जो लंबे समय से शहर में अवैध मादक पदार्थ बेचने का काम कर रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लसोड़िया क्षेत्र का एक निगरानी बदमाश राहुल टोपी आज स्नैप लेके बेचने के लिए निकला है और घूम घूम के बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए उसे जब पकड़ा गया तो उसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक और स्मैक बेचे हुए 54,000 रुपये बरामद हुए, जिसे जब्त किया गया। खास बात यह है कि बदमाश पैर में अपने प्लास्टर का पट्टा चढ़ाए हुए था और पुलिस को मिलते ही वो फ्रैक्चर होने की बात करने लगा। पूर्व में भी जब इसे चेक किया गया था इसके घर पे तो ये पैर में प्लास्टर बांधे हुए ही मिलता था, ऐसा 2-3 महीने से कर रहा था, किंतु आज जब उसे बारीकी से चेक किया गया तो उसके पैर में चढ़ा हुआ प्लास्टर फिसल रहा था, बॉडी से फ्री था। उसे जब काट के चेक किया तो उसके पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं पाया गया। इस प्रकार बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नकली प्लास्टर पैर में बांध के रखता था। उक्त इसमें 13 ग्राम की जब्ती कर और 54,000 रुपये की जब्ती कर। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।